हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज चेचे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो कैलकुलेटर वाला ऐप होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस वाले ऐप के बारे में आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों आप क्या करते हो, अपनी फोटो और वीडियो को हाइड करके रखते हो, छुपा के रखते हो। और इसके अंदर दोस्तों पासवर्ड का सिस्टम होता है 4 अंकों का, जिसके अंदर दोस्तों जैसे आप एंटर करते हो तो दोस्तों ये ऐप ओपन हो जाता है। अब दोस्तों आप क्या होता है, इस पासवर्ड को भूल चुके हो, बिल्कुल भी आपको पासवर्ड याद नहीं आ रहा है। अब दोस्तों आप कैसे इस ऐप को ओपन करोगे, तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको बहुत ही आसान तरीका, जिससे आप अपने इस पासवर्ड को रिस्टार्ट करोगे और अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर लोगे। और दोस्तों इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा जिसके द्वारा आप बहुत ही आसान तरीके से अपने नए पासवर्ड को एंटर कर लोगे और आप बहुत ही आसान तरीके से अपने पासवर्ड को याद रख के अपना जो भी आप ऐप होगा उसको ओपन कर पाओगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट होने वाला, तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, अंत तक देखिए। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पकड़ लीजिए। ऐसे करने से दोस्तों मेरे द्वारा बनाए गए ऐसी यूजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मेरे फोन स्क्रीन पर वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आज को अपनी मोबाइल की होम स्क्रीन पर। अब दोस्तों आपको वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने जो ये कैलकुलेटर वाला ऐप होता है, ये हाइडिंग वाला ऐप, इसको मैं यहाँ पे ओपन करके बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर जो भी आपका राइट जो मैं पासवर्ड है उसको यहाँ पे लगा के इसको ओपन करके यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों ये पासवर्ड मैंने लगा रखा और यहाँ पे बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। बैक आने बाद दोस्तों यहाँ पे गलत पासवर्ड एंटर करके आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने गलत पासवर्ड एंटर किया और यहाँ बराबर पे मैं क्लिक किया तो ये ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे को पासवर्ड बिल्कुल भी याद नहीं है। अब मेरे को यहाँ पे पासवर्ड को इसको रिस्टार्ट करना है और अपने दूसरे पासवर्ड को चेंज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पासवर्ड को एंटर हटा देता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान से वीडियो को देखना है। अब दोस्तों आपको क्या एंटर करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 और 4 4, 1 से लेकर 4 तक गिनती आपको डबल बार एंटर कर देना है, टाइप कर देना है। टाइप करने बाद दोस्तों ये बराबर वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस ऐप के अंदर सिक्योरिटी इशू के कारण दोस्तों मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दोस्तों वो स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो रही है, ओनली फॉर मेरी आवाज ही रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों आपको आगे का जो भी प्रोसेस होगा मेरी आवाज सुन के ही आपको करना है। दोस्तों आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको अपने मोबाइल के अंदर करते रहना है। और दोस्तों जैसे स्क्रीन आपके ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आ रही है तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल के अंदर देखना है और जैसे मैं बता रहा हूँ मेरी आवाज को सुनना है और आपको अपने मोबाइल के अंदर करते रहना है। तो दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से अपने पासवर्ड को चेंज कर पाओगे, अपने नए पासवर्ड को लगा पाओगे। तो दोस्तों आपको ध्यान से मेरी आवाज को सुनना है और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको अपने मोबाइल के अंदर करते रहना है, तो आप बहुत ही आसान तरीके से अपने पासवर्ड को चेंज कर पाओगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे ब्लू कलर ब्लू लाइन में, तो दोस्तों आप देख सकते हो रिस्ट्रीव पासवर्ड बाय ईमेल। तो दोस्तों इस रिस्ट्रीव पासवर्ड बाय ईमेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पर। जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आने वाला दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ भी ईमेल आईडी कुछ भी एंटर नहीं करना है आपको, ओनली फॉर आपको जो ये सेंड वाला ऑप्शन दिखा दे रहा है यहाँ पे ब्लू कलर में बड़ा बड़े अक्षर में, तो इस सेंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे 1 मिनट का ऑप्शन, 1 मिनट का आपको समय देखने को मिलेगा और आपके जीमेल पर 4 अंकों का ओटीपी आपको भेजा गया। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने ऑटोमेटली यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों अपने जीमेल पर जो भी ओटीपी भेजा गया उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके इसके अंदर एंटर करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ और जो भी ओटीपी होगा उसको मैं यहाँ पे, तो दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ओटीपी आपके यहाँ पे आएगा और इसको मैं यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ सीधा वहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे एंटर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, तो दोस्तों इस कंफर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। कंफर्म के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है इनपुट फॉर जीरेट न्यू पासवर्ड एंड प्रेस बटन। तो दोस्तों आपका जो भी आप पासवर्ड नए पासवर्ड को लगाना चाहते हो उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा देता हूँ 5255। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बराबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, तो एक बार और आपको कंफर्म करना होगा 5255 यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा पासवर्ड यहाँ पे अपडेट हो चुका है और मैंने अपने जो भी पासवर्ड है नया वाला उसको यहाँ पे पूरी आसान तरीके से बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे कंफर्म कर लिया है। तो यहाँ पे मेरा ओपन हो चुका है। अब दोस्तों आप भी बहुत ही आसान तरीके से अपने इस पासवर्ड को रिस्टार्ट करके अपने नए वाले पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पकड़ लीजिए। ऐसे करने से दोस्तों मेरे द्वारा बनाए गए ऐसी यूजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।